नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़ में पूजा। एक पिता बेटी के सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अपना सब कुछ लुटा देता है, लेकिन समाज के लिए बदनुमा दाग बन चुके दानों रूपी दहेज लोभियों के लिए कितने भी कड़े कानून बनाए गए हों, लेकिन दहेज की मांग और बेटियों पर उत्पीड़न की लगाम लगा पाना असंभव सा होता जा रहा है। ऐसा ही दहेज से जुड़ा हुआ दुखद मामला रीवा जिले के शाहपुर थाना के अंतर्गत देवरा गांव से सामने आया, जहां पर 31 मई की रात सुखराम साकेत के घर बारात आई हुई थी। उनकी बेटी कविता साकेत की शादी हनुमना थाना अंतर्गत ढाबा गौतमान निवासी पवन साकेत के साथ हो रही थी। घर में खुशी का माहौल छाया था और जब जयमाल होने लगा तब लड़के पक्ष के लोगों ने लड़की पक्ष से यह बोले कि 2 लाख रुपए और मोटरसाइकिल अभी तक नहीं मिली है, जिसके कारण अब शादी नहीं होगी। इस पर लड़की के पिता के द्वारा हाथ जोड़कर विनती की गई कि लड़की की शादी इस हालात में ना तोड़े, लेकिन लड़के वाले नहीं माने और बारात वापस लेकर चले आए, जिस पर बारात और घरात पक्ष के बीच मारपीट तक हुई। वहीं लड़की के पक्ष के लोग शाहपुर थाना पहुंचकर पूरी बात पुलिस को बताई है, जहां पुलिस ने दहेज एक्ट के मामले के तहत पंजीबद्ध कर लिया है। लड़के पक्ष वाले भी पुलिस के पास जाकर मारपीट की शिकायत दर्ज करवाए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुटी हुई है। आने आए हैं, मेरी शादी रही थी 31 तारीख को, फिर द्वार पूजा हुआ, द्वार पूजा होने के बाद फिर जयमाला हुआ। जयमाला में लड़का बोलता है हमको दहेज चाहिए और 2 चक्का देवाओगी, जो दहेज 2 चक्का नहीं देंगे तो हम शादी नहीं करेंगे। फिर वो सभी लोग उठा के चले गए अपने घर। कौन सभी लोग चले गए? बराती लोग। हमें थाने पे आए हैं। कब आए हैं थाने पे? थाने पे आए हैं 5 बजे चालू हुई है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं न्याय चाहते हैं। न्याय में क्या न्याय चाहते? को न्याय मिलना चाहिए। क्या आप उस लड़के से शादी करना चाहती हैं? नहीं, को हम नहीं करेंगे। क्यों? अब आप क्यों नहीं करेंगे? हम नहीं करेंगे, वो धमकी देता है। क्या धमकी देता है? वो धमकी देता है, मार डालेंगे। क्यों मार डालेंगे? दहेज के कारण। ये धमकी लड़के के द्वारा कब दी गई? दी 8 बजे आज दी गई है धमकी। हाँ, क्या बोला गया? नहीं दिवाओगी तो हम नहीं शादी करेंगे। अब उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती हूँ? शादी नहीं करेंगे। तो फिर मामला क्यों दर्ज करवा रही हूँ? मामला दर्ज करा रहे, हमारी इज्जत उकरी है, पैसा खर्चा हुआ इतना, तो वो पैसा वापिस चाहिए। हमारे प्रसाद साकेत थे सर। कहाँ के हैं? हम ग्राम देवरा पोस्ट कटकरी थाना साहिबपुर जिला रीवा मध्य प्रदेश से पुसैनिक निवासी हैं। क्या घटना हुई है? घटना हुई है कि ग्राम ढाबा गौतमान से मैं अपने बहन की शादी तय किया, वहाँ से 31 मई रात को बारात आई और बारात के दरमियान में द्वार पूजा हुआ, पानी पिंगल हुआ, जयमाला के सिस्टम में लड़के के पिता और चाचा के माध्यम से बातचीत हुई मोटरसाइकिल की। मोटरसाइकिल ना होने के कारण हमारी स्थिति कमज़ोर है, गरीब हैं, ना देने के कारण उन्होंने धमकी दे करके मार पिटाई करके और बारात वापस लेके चले गए और हमारे बहन की इज्जत मर्यादा को धूल में मिला दिए। हमारा यही निवेदन है मानवर जी, हमारे बहन को, हमारे माँ बाप को, हमारे सभी सदस्य घर प्राणी को न्याय मिले और दोषी व्यक्ति को सजा दिया जाए। जो हमारा खर्चा हुआ है वो मेरा खर्चा मिलना चाहिए, जिसमें हमने 1 लाख रुपए नगद तिलक दिए हैं, 10 साड़ी दिए हैं, 5 थाली दिए हैं, 6 सेट कपड़ा दिए फल फूल के साथ। 27 मई का ये तिलकोत्सव था, 31 मई का ये बारात था, ये स्थिति हमारे साथ उन्होंने ऐसा घटना किया। मैं आप लोगों से, पुलिस प्रशासन से मैं ये चाहता हूँ कि मुझे न्याय दिलाएं और न्याय के रास्ते पे मुझे जो है तो
आप लोग सब समझदार हैं, हमारा साथ सहयोग करें। कितना दहेज मांग रहे थे? दहेज मांग रहे थे मोटरसाइकिल, बोले 2 लाख और दो, नहीं तो तुमको 4 लाख में खरीदेंगे। तो हम अगर ये उनको कहना था तो शादी तय हो रही थी उसी दरमियान कहे होते, हमारा पसंद होता तो हम शादी करते, ना पसंद होता तो ना करते। हम अपने स्वेच्छा से 1 लाख उनको दे दिए थे, उन्होंने मुझे लूटने का कोशिश कर रहे हैं दहेज की आड़ में। जो था मेरी हैसियत वो मैं दे दिया था। बारात वापस किस वक्त गई? बारात वापस गई है 1 बजे रात। क्या अब ऐसे घटिया इंसानों से मैं अब रिश्ता क्या बनाए? मानवर जी, हमारी मर्यादा सब ले लिए। 500 व्यक्तियों को खाना पीने का इंतजाम था, घराती बराती के साथ, मीठा मिठान के साथ, सारा हमारा नष्ट किया गया, ख़राब कर दिया गया। मेरा पैसा बहुत बर्बाद हुआ। 1 साल कमा करके वो पूंजी लगाया, कर्ज ले करके पूंजी लगाया बहन के शादी के लिए, तो बेटी बहन हमारी अपने घर चली जाए, हमारा बोझा हल्का हो जाएगा मेरे साथ ऐसा। लड़के का और लड़के के पिताजी का क्या नाम है? लड़के का नाम है पवन, लड़के के पिताजी का नाम है जगदीश प्रसाद, साकेत ग्राम ढावा गौतमान के हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मुझे न्याय मिले, इनके साथ उचित कार्रवाई की जाए, हमारा मान सम्मान खोए, हमारी बहन की मान प्रतिष्ठा खोए। ये हम ये चाहते हैं कि इनके साथ ऐसा कार्रवाई हो कि जिस दूसरे लड़की से शादी करें तो उसको सम्मानित रखें, उसका अपमान ना हो, अपमान ना करें। ये दहेज में एक मामला दर्ज हुआ है दहेज को लेकर, क्या ऐसा हुआ? ये एक बारात थी जो सायपुर थाना क्षेत्र में आई थी और वहाँ पर रात्रि में कुछ इस तरह का विवाद हुआ, उसके कारण से मारपीट हुई। जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर गई तो लड़के पक्ष के लोगों का जिस तरह से कहना था कि गाली देते हुए कि इन्होंने टेंट नहीं लगाया, गाड़ी नहीं दी और इसी तरह की विवाद आई, फिर वो बारात वापस ले गए। मारपीट का क्योंकि उसमें तथ्य आया था तो बारात वालों की तरफ से, लड़के वालों की तरफ से एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया लड़की वालों की तरफ, जिसमें 6 आरोपी हैं। इसी तरह से लड़की वालों की तरफ से भी एक बंदे को कंधे में चोट थी तो उसकी तरफ से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। साथ में लड़की वालों ने दहेज मतलब की बारे में बात बताई है, तो दहेज संबंधी भी धारा 3-4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा भी लगाई गई है। दोनों पक्षों की तरफ से प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।